स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों में आगे। मोतिहारी जिले के रोहिनिया गांव में विवाहित महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल कालू यादव ने अपनी पुत्री अंजू की शादी भंगू यादव के बेटे और तथाकथित बैंक मैनेजर बलराम यादव के साथ की थी। शादी के बाद यह पता चला है कि बलराम यादव पहले से ही शादीशुदा है। इस संबंध में जब पीड़िता ने पूछताछ की तो ससुराल वालों की तरफ से दहेज के लिए दबाव बनाया जाने लगा, जिसके बाद ससुराल वालों ने अंजू के साथ मारपीट की, जिसमें गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। वहीं इस संबंध में पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। प्राधिकरण से धोखा दिया है। कहां शादी हुई है? रोहिणी। कैमरे की तरफ देखिए, कहां शादी हुई है? रोहिणी। किनके साथ शादी हुई थी? बलराम कुमार के। कब शादी हुई? 2018 में। क्या हुआ उसके बाद में? हमसे शादी करके, वो शादी शुदा पहले से थे, ठीक है, हम लोग को जानकारी नहीं था। उसके बाद में मतलब मेरे माँ बाप से झूठ बोले थे कि मेरे हम बैंक के मैनेजर हैं, ठीक है। तो उसके बाद में दहेज में 15 लाख रुपया लिए, 15 लाख। आई लोग कुछ मतलब अनपढ़ है लोग। जी आपको बता दें कि मोतिहारी जिले के रोहिनिया गांव में विवाहित महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या करने का मामला सामने आया है। फिलहाल इस खबर पर हमारे सहयोगी धनंजय जुड़ चुके हैं। धनंजय, क्या कुछ अपडेट है अब तक इस मामले में? जी मैं इस मामले में अपडेट यही है कि ये जो पीड़िता है अंजू कुमारी और उर्फ अंजू देवी, इसकी शादी कुछ दिनों पहले हुई थी ये बंजरिया थाना क्षेत्र के एक लड़के के साथ। और शादी में उसको ये बताया गया था कि ये लड़का जो है वो ब्रांच मैनेजर है, लेकिन शादी के बाद जब ही वह गई और 6-7 महीना ठीक ठाक से रही, बाद में इसको पता चला कि उस तथाकथित बैंक मैनेजर की पहली शादी है और उससे पहली बीवी और एक बच्चा है। उसने विरोध किया, फिर इन लोगों के ससुराल वालों के द्वारा। धनंजय, अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है? जी अभी तक इस मामले में सिर्फ FIR के सिवा और कहीं से कुछ नहीं हुआ है, और पीड़िता जो है न्याय के लिए हर जगह अपनी गुहार लगा रही है। जी तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया धनंजय। तो आपको बता दें कि अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिलहाल सिर्फ FIR दर्ज हुआ है और ससुराल वालों की तरफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कंकरबाग इलाके में नगर निगम की गाड़ी ने एक बच्चे को कुचल दिया है, जिसे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है और लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। और बच्चे की बताया जा रहा है कि बच्चे की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत होगी। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लोग काफी आक्रोशित हैं और लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। जी तो आपको फिर बता दें कि एक बच्चे की दुर्घटना में मौत हो गई है, जहां पर बताया जा रहा है कि नगर निगम की गाड़ी ने बच्चे को कुचल दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, क्या कुछ हो रहा है अभी वहां पे, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? जी हाँ रितांबरा, आज सुबह में जिस तरीके से नगर निगम की गाड़ी सफाई के लिए कचरा उठाने गई थी, उसी बीच एक मासूम सी छोटी बच्ची का नगर निगम के वाहन से टकराने के बाद मौत हो गया, जिसके बाद जो चालक था वो वहीं से फरार हो गया। जब परिवार को ये बात पता चली तो वो काफी ज्यादा दुखद हो गए, और जो हंगामा था, चाहे वो टायर जला के चाहे रोड बंद करके किया गया, अफरा तफरी इतना ज्यादा हो गया कि नहीं उस चीज को संभाल पाई, तो अंतिम में थाना अध्यक्ष को आना पड़ा और मामले का बीच बचाव करना पड़ा। हालांकि अभी जो माहौल है वो शांत है, लेकिन जो नगर निगम के चालक हैं उन पर कार्रवाई करने की बात थाना प्रभारी ने कही है। प्रीतम्रा जी, और क्या कुछ कार्रवाई हो रही है वहां पर थाना अध्यक्ष का और बाकी लोगों का क्या कुछ कहना है इस वारदात को लेकर?
जी हाँ, जैसे परिवार का कहना है कि छोटी सी बच्ची खेल रही थी, सड़क पार करने के क्रम में ही जो वाहन आ रहा था उसके चपेट में आने से उसकी मौत हो गई, वो टकरा के गिर गई, जिसके बाद मौके पे उसकी मौत हो गई। हालांकि जब वो जो मामला काफी तुल पकड़ने लगा तो उसके बाद थाना प्रभारी को बीच में आके बीच बचाव करना पड़ा, और उसके बाद थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करेंगे। पीताम्बरा जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया उत्कर्ष। तो आपको बता दें कि राजधानी पटना के कंकरबाग इलाके में एक छोटी सी बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नगर निगम की गाड़ी ने बच्ची को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है।